जिसके बाद मैं शहरयार अफरीदी साहब के केस में पिंडी हाई कोर्ट गया, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच। वहां मैं उस अदालत में बैठा था कि इस दौरान मुझे व्हाट्सएप आई और ये एक एफआईआर मुझे मौसूल हुई जो कि अटक पुलिस ने दर्ज की है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के इमाम पे कि जी वहां जब हम गए तो वहां हमने आतापाइयां की, कपड़े पाड़े। बहरहाल ये ऐसे ही एफआईआर है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। जिस तरह ये एफआईआर थी, किसी से तलख गुफ्तगु तक नहीं हुई, नाम उम्र की इस हिस्से में है कि सिपाहियों से हम आतापाइयां करें और हमें इदराक है इन चीजों का, लेकिन अफसोस इस अमर पे होता है कि जेल सुपरिटेंडेंट और डीपीओ जिसका नाम डॉक्टर गयास गुल है, ये कंपनी के अलाकार बने और उनकी इमा पे इन्होंने हम पे ये एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में इल्जाम हैं और हम ये एक चीज उनको दाद देते हैं कि थोड़ी सी शराफत ये दिखा दी और जिसके ये मुस्ताहिक हैं कि कपड़े पाड़ने का इल्जाम चलो मर्द का लगा दिया है, शुक्र है किसी रिश्तेदार खातून का इल्जाम नहीं लगाया। डॉक्टर गयास गुल जो है उसने मुझसे थोड़ी देर कबल उन्होंने मुझे कॉल की, मैं टाइम बता देता हूं, और चूंकि वो इस्लामाबाद में काफी अरसा एसपी एसएसपी वगैरह रहे हैं, ये 1:15 पे उन्होंने मुझे कॉल की और इनके कॉल से मुझे पता चला दो चीजों का कि इसकी बेगम जो कि डीएमजी ऑफिसर हैं, जो यहां एक घर पे कब्जा करना चाहती थी और जिसमें मैं मुखालिफ फरीक वकील था, और वो कब्जा करना मैंने उनको कब्जा करने नहीं दिया, और दूसरा इसने कोई प्लाट लिया है गैर कानूनी तौर पे जो दूसरे एक पीएसपी ऑफिसर ने चैलेंज किए और मैं उनका वकील हूं, और ये उसके साथ जो है आउट ऑफ द वे नेकी की गई थी तो वो उस केस में भी रिस्पॉन्डेंट हैं और मैं इसका मुखालिफ वकील हूं। तो इन चीजों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जी आपको अंदाजा हो गया होगा, तो मैंने उनको कहा कि मोहतरम मुझे तो ये इन छोटी छोटी चीजों का इल्म नहीं होता है, लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मुझ पर डायरेक्ट एफआईआर करें, अगर आपकी पुश्तपनाई वो लोग न कर रहे हो जो आजकल पूरे पाकिस्तान में लोगों पर एफआईआर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन पर धमकियां देने की कोशिश की, जिस निस्बत मैंने थाना सेक्रेटेरिएट में उनके खिलाफ धमकियां देने 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत एफआईआर करने की दरख्वास्त की है,